खुदा के लिए हमें एक ही पापा सहारा है और हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमें अगर अपना पापा बच जाए हमें यही अपने बहुत अपने इनको इलाज किया नहीं बन रहा। क्या लोगों से गुजारिश करते हो? हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे हमारी मदद करो, हमारा पापा भी हमारे साथ जी अच्छे से जिंदगी। हम लोगों से बहुत ज्यादा गुजारिश करते हैं, अल्लाह उनको बहुत जिंदगी दे जो हमारे पापा के लिए करेगा मदद। प्लीज हमारे लिए अल्लाह के लिए कोई मदद करो ना। आप जी कुछ? जी हमारा पापा बीमार है इसलिए हम रो रहे हैं, हमें कोई आपका एक रुपया इसकी सांस जो है वो बचा सकता है। हमें कुछ इलाज नहीं बनता है अपने पापा का। आज हमें एक ही पापा का सहारा है और हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमें अगर अपना पापा बच जाए हमें यही अपनी जिंदगी। छोटा भाई है वो क्या करेगा अभी। अगर लोग हमारी मदद करेंगे अल्लाह उनको भी सबसे ज्यादा देगा। पर लोकेशन दे रहा हूँ, ये चिट्टाबास का इलाका है, ये पंचायत सी में पड़ता है, चिट्टाबास स्कूल के पास इसका घर है। तो बड़ी मेहरबानी करके सब लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि बड़ी मेहरबानी करके इस वक्त इसका परिवार जो है वो बहुत मुश्किल में है, रो रहा है और लोगों से ये गुजारिश कर रहा है कि बड़ी मेहरबानी करके आप जो है इसकी मदद करें ताकि इसका इलाज हो सके। है भी लड़की, लड़का छोटा है जिसने बात भी नहीं आती है। फिलहाल इनकी जिंदगी, इनकी सांस, बहारदीन की जिंदगी और बहारदीन की सांस जो है वो आला आप लोगों ने करना है। क्या इसकी सांस आपने बचानी है या नहीं बचानी है वो आप लोगों ने अब जो है फैसला करना है। फिलहाल तो ये इनकी वाइफ का अकाउंट नंबर मैं आपको बता दूं, 010-50-40-86-00-31-386। एक बार फिर आपको मैं बता दूँ इनका अकाउंट नंबर जो है 010-0105-04-086-00-31-386। ये आपको मैं स्क्रीन पे दूंगा ये अकाउंट नंबर, आप इस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं जितना आपको तौफीर लगे। ये इनकी वाइफ का अकाउंट नंबर है, ये आप देख सकते हैं। ईशा तुम तो ये आपका ही है ना अकाउंट? हाँ मैं प्रॉब्लम बन तमी दिमाग। कारण ये है कि ये जो शख्स है बहारदीन, क्योंकि ये चल नहीं सकता, चल क्या सकेगा बेचारा, ये उठ भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता है। तो अभी इसकी वाइफ का जो है अकाउंट नंबर हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी करके इनका नाम जो है जानो बेगम आएगा। तो वाइफ ऑफ बहारदीन। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूँ बहारदीन वानी। इस वक्त मैं भठोई पंचायत सी में चिट्टाबास में मौजूद हूँ और मैं आपको एक दिल दहलाने वाली आपके सामने एक खबर ला रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ ये शख्स हैं, इनका नाम जो है बहारदीन। ये बहारदीन नामी शख्स बड़े इस वक्त बड़े मजबूर हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और काफ़ी इन्होंने इलाज भी अपना करवाया था लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास अभी जो है पैसा ख़त्म हो चुका है। अब जो है रात को मुझे एक शख्स फ़ोन करता है, मकबूल नाम का एक शख्स मुझे कॉल करता है और वो फ़ोन पर मुझे एक रोने की आवाज़ आती है और वो ये कहता है कि मेरा एक भाई है जो काफ़ी मजबूर है और लाचार है, उसके पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि उसने ज़मीन भी बंद रखी थी, काफ़ी सारे उसने आगे पीछे गुजारे भी किए थे, अपने माल मोशी जो घर में रखा था उसको बेचकर अपना इलाज करवाना चाहता था लेकिन उसके बाद भी उसका इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया। फिर हमने जब वो रोने की आवाज़ सुनी तो हमने उससे सुबह जब रابطہ किया, जब हम यहाँ पर आए और हमने देखा वाकई इस बहारदीन की जो है वो बहुत बुरी कंडीशन है। अभी ये इसकी आप देख सकते हैं ये पाइप जो है वो भी लगी हुई है। इवन के ये अगर हम बात करेंगे ऐसी चीज़ें, जब हॉस्पिटल में एक पेशेंट होता है तो उसको इस तरीके की पाइप लगाई जाती है, जब उसको पेशाब
में प्रॉब्लम हो, लेकिन इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी पेशाब की पाइप भी यहाँ घर में लगी है, अभी इनका कोई सहारा नहीं है। अब हमारी स्टोरी करने का ये मकसद है आप ही इसका सहारा हो, आपका एक शेर, एक बार आपकी शेयर करने से इसकी मदद हो सकती है। अब जो है मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि इसका इलाज अगर हो सकता है, आपका एक शेयर, आपका एक रुपया इसकी सांस जो है वो बचा सकती है, क्योंकि अभी ये उतनी बात नहीं कर पाता है, काफ़ी मजबूर है। इसके छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान हैं। अब आप लोगों से विनती है कि देखा जाएगा कि कितने लोग जो है इसमें सामने आते हैं। अब लोगों की यहाँ पर मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को मदद करनी चाहिए इस तरीके से। तो लोग, हमें यकीन है कि इस खबर के बाद लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और इसका इलाज जो है वो हो पाएगा। हम आपको अकाउंट नंबर भी जो है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देंगे और आपको पूरी डिटेल देंगे। आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसके खाते में एक एक रुपये, दस दस रुपये, पचास पचास रुपये, जितना भी आपसे हो सकता है, जितना भी आपसे, जितनी आपकी तौफीक लगती है, तो बड़ी मेहरबानी करके इस बहरदीन के अकाउंट में जो है वो पैसा डाले, ताकि ये भी और ज़िंदगी जी सके, क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जब हम अंदर आए थे तो इसके आँखों में आंसू थे, ये रो रहा था, क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अब लोगों से गुजारिश करता है और हम भी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि बड़ी मेहरबानी करके इसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करें, जो आपको तौफीक लगती है वो इसके इसके पास आके भी इसको दे सकते हैं। क्योंकि ये आपको मैं प्रॉपर लोकेशन दे दूँ, ये चिट्टाबास का इलाका है, ये पंचायत सी में पड़ता है, चिट्टाबास स्कूल के पास इसका घर है। तो बड़ी मेहरबानी करके सब लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि बड़ी मेहरबानी करके इस वक्त इसका परिवार जो है वो बहुत मुश्किल में है, रो रहा है और लोगों से गुजारिश कर रहा है कि बड़ी मेहरबानी करके आप जो है इसकी मदद करें, ताकि इसका इलाज हो सके। अब मैं इसकी वाइफ से भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये बच्चे आप देख सकते हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। पास कर। रो रहे हो? हमें पापा बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत, हमने इनको इलाज किया, नहीं बन रहा। क्या लोगों से गुजारिश करते हो? हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे, हमारी मदद करो, हमारा पापा भी हमारे साथ जी अच्छे से जिंदगी। हम लोगों से बहुत ज्यादा गुजारिश करते हैं, अल्लाह उनको बहुत जिंदगी दे जो हमारे पापा के लिए करेगा मदद। प्लीज हमारे लिए, अल्लाह के लिए कोई मदद करो ना। आप जी कुछ? जी हमारा पापा बीमार है, इसलिए हम रो रहे हैं। कोई नाम क्या बच्चे? बिस्मत वसम। क्या लोगों से अपील करती हो? हम लोगों से यही अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें जितना पैसा था सब खर्च हो गया, हमें कुछ इलाज नहीं बनता है अपने पापा का। हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा खुदा के लिए, हमें एक ही पापा का सहारा है और हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमें अगर अपना पापा बच जाए, हमें यही अपनी जिंदगी है। हमें सबसे छोटा भाई है, वो क्या करेगा अभी? अगर लोग हमारी मदद करेंगे, अल्लाह उनको भी सबसे ज्यादा देगा। वाइफ से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनकी वाइफ जो है वो भी बड़ी परेशान है, उनसे भी बात हम करेंगे। आंटी आपका नाम क्या है? जानो बेगम। जी। कब से ये बीमार है? आठवां महीना है। कहाँ कहाँ पे इसका इलाज करवाया आपने? इसका इलाज जम्मू, पंजाब तक सब गांव में फिर गया है। जितना भी पैसा था सारा खत्म हो गया, माल भी खत्म हो गया, जमीन भी बंद हो गई, अब कुछ नहीं है, अब बस हो गई। अब दुनिया से इतनी गुजारिश है, अगर कुछ मदद बने, अगर इसका सांस रुक जाए, बच्चे छोटे छोटे, कहाँ इनको लेके जाए? है भी लड़की, लड़का छोटा है, जिसने बात भी नहीं आती है। तो लोगों से क्या गुजारिश करते हो? जो लोगों को ताकत है, तौफीक है,
एक रुपया 10 रुपया और क्या मदद करें कुछ। तो यह है जी इनका पूरा परिवार, आपको मैंने बखूबी दिखाया, इनके बच्चे छोटे छोटे परेशान, इनकी वाइफ परेशान। अब आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपका एक शेयर करने से अगर इनकी 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये अगर आप लोग इनकी मदद करें, तो ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये अपने बाप को अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अपने पापा के लिए बहुत सारी अपील लोगों से करते हैं। अब आप ही लोगों ने डिपेंड करना है, आप लोगों पर ही इन बच्चों का जो है, आज इन बच्चों का रो रो कर ये कहना है कि हमें लोगों पर ही अब सहारा है। अब इन बच्चों का बाप तो बीमार है, इस टाइम वो सोया हुआ है क्योंकि वो बात नहीं कर सकता है, लेकिन अब बच्चे जो है वो ये लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप ही अब हमारे बाप हो, आप ही हमारे बाप को जो है वो बचा सकते हो। तो बराए मेहरबानी करके आप लोगों से गुजारिश है कि जितना आपसे हो सके तो बराए मेहरबानी करके इनके अकाउंट में डिपॉजिट करें, ताकि ये अपने पापा की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो फिलहाल इनकी ज़िंदगी, इनकी सांस, बहारदीन की ज़िंदगी और बहारदीन की सांस जो है वो आपके हाथ में है। फैसला आप लोगों ने करना है, क्या इसकी सांस आपने बचानी है या नहीं बचानी है, वो आप लोगों ने अब जो है फैसला करना है।